नमस्कार, मैं ममता नेगी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई। जनता को सरकार पर कितना भरोसा था, इसका अंदाजा भारी बहुमत से लगाया जा सकता है। जनता को लगा मोदी सरकार जो कुछ अपने पहले कार्यकाल जो कि 2014 से 2019 तक चला उसमें नहीं कर पाई, वो दूसरे कार्यकाल में पूरा करेगी। देश आदर्श रूप में दुनिया के सामने आएगा, जो अपनी आंतरिक और विदेश दोनों नीतियों में शक्तिशाली और आदर्श होगा। लेकिन मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही देश में कुछ खास नहीं कर पाई। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, बेरोजगारी देश में चरम पर है और आए दिन देश में सरकार के खिलाफ कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा है। देश की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। महंगाई पर क्या बोले, गरीब लोग तो छोड़ दो, कुछ समय बाद मिडिल क्लास लोगों को भी खाने के लाले पड़ने वाले हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर गैस पेट्रोल जैसी मूल जरूरतों की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जीएसटी ने छोटे व्यापारियों को खत्म सा कर दिया है। अरबों खरबों के बजट के बावजूद सरकार को सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है। कई सरकारी कंपनियां अब अर्ध सरकारी बन गई हैं, तो कोई पूरे तरीके से प्राइवेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये कहते सुनाई देते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन उनके दावे और हकीकत में बहुत फर्क है। देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियां बिक चुकी हैं। सरकार ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। 17 मार्च को कंपनी में दिलचस्पी रखने वाले अपनी बोलियां जमा कर सकेंगे और उसके बाद कंपनी निजी हाथों में चली जाएगी। 20 नवंबर 2019 को सरकार ने फैसला किया था कि बीपीसीएल समेत 5 बड़ी कंपनियों में वो हिस्सा बेचेगी। ये कंपनियां हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, THDC इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा 5वीं कंपनी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। इस समय LIC की 100% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। LIC देश का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। LIC में कुछ हिस्सेदारी बेचकर सरकार पैसा जुटाना चाहती है। इसके अलावा सरकार रेलवे में भी कुछ हिस्सेदारी बेचने के बारे में सोच रही है। मोदी सरकार की फेल होती गृह नीतियों का ही नतीजा है कि कई राज्यों में BJP सरकार सिमट गई है। अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव का उदाहरण ले लीजिए। विदेश नीति मोदी सरकार की सफल रही है, लेकिन जरूरत है देश के अंदर के हालातों को सुधारने की, देश में रोजगार लाने की, महंगाई कम करने की, शिक्षा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर काम करने की। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।